दोस्तों, एक तरफ बिहार के बाद पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेकर माहौल बन रहा है, तो दूसरी तरफ देवरिया हत्याकांड हो जाता है जिसमें एक ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्यों को करीब 77 लोग मिलकर काट डालते हैं, पूरे परिवार का लिंच कर देते हैं। हमलावर यादव समुदाय से आते हैं। इस हत्याकांड को सामान्य जमीन विवाद मान लेना इस देश के नीति निर्माताओं के लिए बेहद बड़ी भूल होने वाली है। जमीन विवाद में एक हत्या के बदले अगर एक पूरे परिवार को भी आरोपी परिवार काट देता तब भी मान लेते, लेकिन वो ये घटना नहीं है जो सामान्य रूप से ऊपर से दिख रही है। दरअसल यहां तो करीब 77 लोगों की एक भीड़ ने, जो पुलिस की FIR है उसमें 27 लोग नामजद है और करीब 50 लोग अज्ञात है। ये तमाम लोग मिलकर एक परिवार को, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, लड़कियां भी थी, पीट पीट कर मार डालती है, काट देती है। मृतक प्रेम यादव का परिवार 77 लोगों का परिवार नहीं था। इसे परिवार कहकर इस केस को हल्का नहीं किया जा सकता। ये जीता जागता नफरत का एक नमूना है जिसमें एक जाति दूसरी जाति के लोगों को नफरत करती है, उसे हर हाल में मिटा देना चाहती है। गांव में बसे एक ब्राह्मण परिवार को कुछ लोग एकजुट होकर मार डालते हैं, ये रिवेंज का मामला है। एक परिवार का दूसरे परिवार से बदला नहीं, ये रिवेंज है एक जाति का दूसरी जाति से, इसलिए ही ये जाति संघर्ष है। बिहार तो जातियों के सामूहिक नरसंहार या हत्याकांड के लिए बदनाम रहा है, पर यूपी में इस तरह का यह पहली घटना है। बिहार के बॉर्डर पर स्थित देवरिया जिले और आसपास के गोरखपुर और कुशीनगर आदि में ब्राह्मण वर्चस्व रहता है। यहाँ ब्राह्मण वर्चस्व जिले हैं। मंडल के बाद की राजनीति में भी यहाँ लोकसभा सांसद ब्राह्मण ही रहा। कांग्रेस, बीजेपी या समाजवादी पार्टी के भी MLA अधिकतर ब्राह्मण ही होते आए हैं। गोरखपुर बेल्ट, जिसमें देवरिया भी कभी हिस्सा रहता था, इस बेल्ट का ब्राह्मण पंडिताई जरूर करते हैं लेकिन हथियार उठानों में कभी गुरेज नहीं करते, और यही कारण है कि यहाँ की माटी में कुख्यात हरिशंकर तिवारी, अमरमणि त्रिपाठी, श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी जैसे माफिया पैदा हुए हैं। दूसरी तरफ आजादी के बाद यादव जाति का पुनर्जागरण हुआ। यादव कभी बड़ी जातियों के लिए लठैत का काम किया करते थे, पर बाद में वो खुद सामंत बन गए। गोरखपुर से जुड़े हुए आसपास के जो जिले हैं, आजमगढ़ जिले हैं, मंडल की राजनीति की शुरुआत से पहले ये यादव यहाँ पर सामंत बन चुके थे। यादव कभी बड़ी जातियों के लठैत हुआ करते थे, पर बाद में खुद सामंत बन गए। गोरखपुर से सटे आजमगढ़ जिले में मंडल की राजनीति की शुरुआत के पहले ही वे सामंत बन चुके थे। इस जिले के यादवों में आज से 3 दशक पहले ही इतनी ताकत हो चुकी थी कि वे ठाकुरों का खेत काट लेते थे। गोरखपुर के आसपास के जिलों में कभी सबसे बड़ा संघर्ष ब्राह्मण बनाम ठाकुर हुआ करता था, पर आज इन जिलों में यादव जाति ब्राह्मण और ठाकुरों दोनों को चैलेंज करती है। योगी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद राजपूतों पर सरकारी जाति का थप्पा लग चुका है, बच गए पंडित जो अब कमजोर पड़ गए हैं। देश में प्रॉपर्टी का धंधा सबसे अच्छा और चोखा माना जाता है। इस धंधे में चमकने के लिए ताकत सबसे जरूरी होती है। यूपी के हर गांव कस्बे में प्रॉपर्टी डीलर सक्रिय हैं। जिस यादव परिवार का एक सदस्य जिला पंचायत मेंबर रहा हो, जाहिर सी बात है वो दबंग और ताकतवर रहा होगा, और इसी घर का एक लड़का प्रॉपर्टी डीलर बन गया, जाहिर है इसमें भी ताकत और पैसे की जरूरत होती है। उनका यही काम था कि झगड़े की जमीन कम कीमत पर खरीद लो या किसी परिवार में कोई कमजोर हो तो उसे तोड़कर अपनी तरफ ले लो और उसकी जमीन अपने नाम लिखवा लो। पंडित जी के परिवार में भी एक भाई मंदबुद्धि थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। प्रेम यादव ने उसे भैला फुसला कर उसकी 10 बीघा जमीन औने पौने दाम में अपने नाम लिखवा ली और उन्हें गुजरात भेज दिया। हालांकि बाद में पता चला कि वो गुजरात नहीं गया बल्कि अपने ही घर में उसे रोके रखा था। पंडित परिवार के दूसरे भाई सत्यप्रकाश दुबे, जिनकी शादी हुई थी और उसके बाल बच्चे भी थे, घर चलाने के लिए कहीं गाड़ी वगैरह चलाया करते थे। एक बेटी भी घर चलाने के लिए कहीं छोटा मोटा काम धंधा करती थी। एक बेटा पंडिताई का काम करता था। प्रेम यादव ने धोखे से जमीन लिखवाई ही थी और वो सड़क के किनारे की जमीन हड़पना चाहता था, और इसी बात का मुकदमा करीब 7 साल पहले लिखवाया गया था और वो चल भी रहा था। गरीब पंडित के पास मुकदमा तक लड़ने की औकात नहीं थी। प्रेम यादव को किसी ने भड़का दिया कि सत्यदेव तुम्हारे जो जमीन तुमने कब्जाई है उसकी मेड़ गिरा रहा है, और गुस्से में प्रेम यादव जो है मोटरसाइकिल पर सवार होकर पंडित जी के घर पहुंच जाते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं। कमजोर सत्यदेव दुबे की जब पिटाई होने लगती है तो उसे बचाने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा होता है और इस दौरान झगड़ा बढ़ता है और प्रेम यादव की मौत हो जाती है। फिर पूरा गांव इकट्ठा होकर पंडित परिवार की खात्मे की तैयारी कर देता है और चढ़ जाता है और खत्म कर देता है।
कमजोर सत्यदेव दुबे की जब पिटाई होने लगती है तो उसे बचाने के लिए उसका परिवार इकट्ठा होता है और इस लड़ाई में प्रेम यादव की मौत हो जाती है। फिर पूरा गांव इकट्ठा होकर पंडित परिवार का खात्मा कर देता है, बच्चों को महिलाओं को भी नहीं छोड़ता। पूरे उत्तर प्रदेश में कभी राजनीतिक रसूख ब्राह्मणों के हाथ में रहता था, अब हालात अलग हो गए हैं। ना राजनीतिक रसूख बचा है और ना सामाजिक रसूख ही। प्रेम यादव का परिवार भी बदला लेने के लिए पूरे पंडित परिवार का कत्ल कभी नहीं करता, कर राजनीतिक या सामाजिक रसूख पंडित का होता। दरअसल मृतक पंडित की बेटी बताती है कि उसके पिता ने अपनी जान का खतरा और मुख्यमंत्री पोर्टल पर हजारों बार शिकायत की, लेकिन कभी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली। दरअसल ये सिस्टम ही ऐसा है, इसमें कमजोर नहीं ताकतवर व्यक्ति की हेल्प की जाती है और सिस्टम को ताकतवर व्यक्ति अपने हिसाब से चलाता भी है। और यहीं पर यह हुआ, तमाम शिकायतें हुई लेकिन कहीं से कोई न थाने से न प्रशासन से कोई हेल्प मिली और उसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरा परिवार खत्म हो चुका है। अब सरकार कह रही है कि वो न्याय करेगी और दंडित करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या पंडित परिवार वापस आ सकता है। दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कभी यहां पर राजनीतिक रसूख ब्राह्मणों के हाथ में था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब ना राजनीतिक रसूख है और ना सामाजिक। प्रेम यादव का परिवार भी बदला लेने के लिए कभी पंडित परिवार का कत्ल नहीं करता, क्योंकि सभी जानते हैं कि सामूहिक हत्याकांड को नरसंहार मान लिया जाएगा और पूरी मशीनरी आरोपी के परिवार के खिलाफ लग जाएगी और उसके बाद बर्बादी तय हो जाती है। यह तो पंडित परिवार के खिलाफ फैला जहर था जिस पर गांव के तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर बिना सोचे समझे इस परिवार को खत्म कर दिया और अपने मन में बसा जहर उड़ेल दिया। इसके लिए जिम्मेदार जातियों की राजनीति है, जातिगत सर्वे है। इस तरह से जो सर्वे आ रहे हैं और जो विभेद पैदा हो रही है वो वास्तव में नफरत के लिए खाद बीज का काम करने वाले हैं। पूरे प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों पर हमले बढ़ भी रहे हैं। देवरिया के रहने वाले शैलेश बताते हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि सुल्तानपुर में ब्राह्मण डॉक्टर को भी प्रताड़ित करके ऐसे ही उनकी एक प्रॉपर्टी डीलर ने हत्या कर दी थी। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना लगातार हो रही है क्योंकि उन पर एक्शन नहीं हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हुआ, एक गरीब व्यक्ति मारा गया क्योंकि उसकी पहुंच संस्थानों तक नहीं थी, सरकारों तक नहीं थी। वो सिर्फ पोर्टल पर अपनी फरियाद डालता रहा जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई और अब सब खामोश है। अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या निर्णय सरकार लेती है और किस तरह से इस परिवार को न्याय दिलाती है। लेकिन यह अपने आप में बिल्कुल तय है कि जिस तरह की राजनीति एक बार फिर शुरू हुई है वो अपने आप में देश में जातिगत विद्वेष जरूर बढ़ाएगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।